एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछली वीडियो में हमने फूड वेयर डज इट कम्स फ्रॉम की पिछली वीडियो में एक्टिविटी 4 तक कंप्लीट कर लिया था। तो अब हम इस लेक्चर में इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। तो हम एक्टिविटी 5 से कंटिन्यू करने वाले थे, तो एक्टिविटी 5 से कंटिन्यू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, एक्टिविटी 5 में हमको क्या गिवन है कि टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना। कुछ ड्राई सीड्स लीजिए, किस किस के, मूंग दाल के और चना के। Put a small quantity of seeds in a container filled with water and leave this aside for a day. अब उस वो सीड्स ही तो होते हैं, अब उन सीड्स में क्या करो, थोड़ा सा पानी डाल दो, उस कंटेनर को, उस बर्तन को पूरा पानी से फिल कर दो और एक दिन के लिए उसको रखा छोड़ दो, मतलब उसको बिल्कुल भी छेड़छाड़ उससे मत करिए। नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली एंड लीव द सीड्स इन द वेसल। अब अगले दिन क्या करो, उस सीड्स में से, उस कंटेनर में से जितना भी पानी है उस सबको अपना अलग निकाल लीजिए और अब उन सीड्स को बिल्कुल ड्राई कर लीजिए, वेसल में रख दीजिए। रैप देम विद अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड सेट असाइड। अब उनमें क्या करो, अब उस उन जितने भी सीड्स हैं उन सबको एक क्लॉथ में जो कि गीला हो उसमें बांध दीजिए और उनको एक साइड में रख दीजिए। द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द सीड। उस दिन क्या तुम कोई भी चेंज देखते हो उन सीड्स में। अ स्मॉल व्हाइट स्ट्रक्चर मे हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स। एक छोटा सा व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर ग्रोन हो जाएगा हर एक सीड से जो कि उन कपड़े में बंधे हुए थे, जितने भी सीड्स उस कपड़े में थे। ओके, इफ सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड। हम क्या कह सकते हैं, हम ये भी तो कह सकते हैं, इसका मतलब यही हुआ कि जो स्पिरिट्स हैं वो सीड्स हैं वो स्प्राउटेड हो गए हैं। स्प्राउटेड का मतलब उसमें से हल्की सी स्टेम निकल आई है, वो हल्के हल्के ग्रो हो गए हैं, रूट्स निकल आई हैं। यस, इफ नॉट वॉश द सीड्स इन वाटर। अगर फिर भी नहीं निकले हैं, अगर उनमें कोई भी स्प्राउट पना आपको नहीं देखने को मिलता तो उन सीड्स को एक बार पानी में फिर धोइए। ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे। अब उनको फिर से पानी में भिगोइए अच्छे से और उसके बाद अगले दिन फिर से उसमें से पानी निकाल दीजिए और फिर उसको रख के देखिए, तो अगले दिन फिर आपको दिख जाएंगे उसमें ग्रो होते हुए। Then the next day see if the seeds have sprouted. अब अगले दिन फिर देखो कि क्या वो सीड्स स्प्राउटेड हो गए हैं। After washing these sprouted seeds, अब उन sprouted seeds को धोने के बाद you can eat them, तुम उन्हें खा सकते हो। अब उन्हें धोने के बाद उसमें से चाहे वो white white है, ऐसा नहीं उस white white को निकाल के फिर खाना है, अब हम उसको sprouted seeds को खा सकते हैं। They can also be boiled, हम उनको boil करके भी खा सकते हैं। कुछ लोग boil करके lemon वगैरह डाल के खाते हैं, तो हम उनको boil करके भी खा सकते हैं। Add some spices, उनमें कुछ spices डाल दीजिए, उनको tasty बना लीजिए, एक snack बना लीजिए, किसके लिए, उनको खाने के लिए। ओके, नेक्स्ट, डू यू ऑब्जर्व व्हेन हनी कम्स फ्रॉम और हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड। क्या आपने कभी देखा है या महसूस किया है कि जो हनी है, जो शहद है, वो कहाँ से निकलता है और ये प्रोड्यूस कैसे होता है, आपने कभी सोचने की कोशिश की है। हैव यू सीन अ बिहेव व्हेन सो मेनी बीज कैप बजिंग अबाउट। या आपने एक हनीकॉम्ब देखा है जिसमें कि बहुत सारी मधुमक्खियाँ इधर उधर 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 बहुत बुरी तरह उसके भिनक रही होती हैं। बीज कलेक्ट नेक्टर, बीज जो होती हैं वो क्या करती हैं, कलेक्ट करती हैं नेक्टर को, मतलब जो स्वीट जूस होता है, हनी को ही हम नेक्टर बोलते हैं। स्वीट जूसेस जो वो किसी भी फ्लावर से निकाल के लाती हैं और अपने उस हनी भी में कलेक्ट करके रखती हैं। ओके, फ्रॉम फ्लावर्स कन्वर्टेड इन टू हनी। अब उसको वो क्या करती हैं, हनी में बदल देती हैं, उसी स्वीट जूसेस को, उसी नेक्टर को वो किस में बदल देती हैं, स्वीट जूसेस में बदल देती हैं। एंड स्टोर इट इन देयर हाइव, और उसको स्टोर करके रखती हैं किस में, अपने उस हनी भी में। ठीक है, फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ ईयर। जो फ्लावर्स होते हैं और उनके जो नेक्टर होते हैं, हमने कई सारे प्लांट्स के बारे में अपनी पिछले ICSE के एक लेक्चर में हमने प्लांट्स के टाइप्स के बारे में पढ़ा था कि बायनियल होते हैं, एनुअल होते हैं। तो कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स ऐसे होते हैं हमारे जो पूरे साल ग्रो नहीं करते, वो सीजन वाइज ग्रो करते हैं। ओके, तो फ्लावर्स और उनके जो नेक्टर होते हैं वो एक पार्ट, मतलब कि एक ही सीजन में अवेलेबल होता है हमारे एक साल में। ओके, सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज। और जो इसलिए जो बीज होती हैं वो क्या करती हैं, स्टोर करके रखती हैं उस नेक्टर को फॉर ऑल थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल के लिए, जिनके पास उनके लिए पूरे साल के लिए खाना हो जाए खट्टा। तो जो बीज होती हैं वो नेक्टर को किस लिए इकट्ठा करती हैं, जिससे कि पूरे साल के लिए उनका खाना तैयार रहे। ठीक है, When we find such a beehive, we collect the food stored by the bees' honey. अब जैसे ही हम किसी ना किसी beehive को देखते हैं, हम क्या करते हैं, उसमें से क्या कलेक्ट कर लेते हैं, हम क्या छीनते हैं, हम खाना इधर छीनते हैं बीज का, तो वो किस फॉर्म में होता है, हनी के फॉर्म में, जो कि अवेलेबल होता है उनके beehive में। अब what do animals eat? अब हम ये पढ़ेंगे कि animals आकर खाते क्या हैं। Do you have cattle or a pet that you have take care of? क्या आपने कभी
किसी भी कैटल को रखा है पालने के लिए, उसका टेक केयर ऑफ करने के लिए, अ डॉग, कैट, बफेलो और अ गॉड, क्या तुमने कभी किसी कुत्ते को, बिल्ली को, बफेलो को या फिर गॉड को पाला है कभी? यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड एनिमल्स ईट, तब तो तुम पक्का होंगे कि वो फूड क्या खाते हैं आखिर। कभी हमने किसी कुत्ते को पाला होता, वो तो सिंपल, हम उसको रोटी डालते हैं, रोटी खाता है, उसकी कई सारे फूड्स आते हैं हम उनको डालते हैं, वो भी खा लेता है। जो काउस होती हैं, जो लोग काउस को पालते हैं, वो उनको भूसा चारा वगैरह खिलाते हैं, तो वो उनका खाना होता है। Have you ever observed what a squirrel, pigeon, lizard or a small insect may be eating as their food? क्या तुमने कभी गौर किया है कि जो squirrel होती हैं, हमारी pigeon होते हैं, lizard होती हैं, छोटे छोटे insect जो होते हैं, आखिर वो क्या खाते हैं? तो let's observe them. Activity number 6. Several animals are listed in table 1.5. For some of them, the types of food they eat is also given. Filling the blanks in the table. अभी जो एक्टिविटी गिवन है आपको, इसमें कुछ एनिमल्स के नाम दे रखे हैं, वो क्या फूड खाते हैं, कुछ एनिमल्स के दे रखे हैं, कुछ एनिमल्स के आप लोगों को फाइंड आउट करने हैं। एक्टिविटी 7, हैव अ लुक अगेन एट टेबल 1.5 एंड ग्रुप द एनिमल्स एंटर्ड हियर एज फॉलोज। प्लेस एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स। अब एक जगह तो तुम ये लिखो कि कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो केवल प्लांट्स को खाते हैं और प्लांट्स से निकले हुए प्रोडक्ट्स को खाते हैं। ओके, ग्रुप फर्स्ट में रख लो उनको। अब उनको हम क्या बोलेंगे, हर्बीवोरस ही तो बोलेंगे। तीन टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक होते हैं हर्बीवोरस, एक होते हैं कार्निवोरस, एक होते हैं ओमनीवोरस। ओके, तो हर्बीवोरस वो प्लांट्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट पर डिपेंड करते हैं, प्लांट्स से ही उनका पूरा गुजारा होता है। कार्निवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो केवल और केवल लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं, वो प्लांट्स का कुछ भी नहीं खाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं। और ओमनीवोरस वो होते हैं एनिमल्स जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों पर डिपेंडेंट होते हैं। तो ह्यूमन बींग किस में आएगा? अगर आपको ह्यूमन बींग के बारे में कुछ भी पता चलता है, ह्यूमन बींग हर्बीवोरस होता है, कार्निवोरस होता है, ओमनीवोरस, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, सो ये टेबल 1.5 आपको दे रखी है, एनिमल्स एंड देयर फूड। नेम ऑफ एनिमल क्या है? बफेलो। बफेलो क्या खाती है? ग्रास खाती है, और क्या खाती है? ये खाती है ग्रेन्स खाती है, ये सब ये खाने होते हैं, घास फूस वगैरह खाती है। वो तो किस पे डिपेंड करती है? वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स पर डिपेंड करती है। कभी किसी बफेलो को किसी कुत्ते को खाते हुए देखा है? नहीं ना। तो फिर इसीलिए जो बफेलो होती है हमारी, वो क्या होती है? हर्बीवोरस होती है। अब अगर हम बात करें अपनी कैट की, तो ये छोटे छोटे एनिमल्स को खाती है, बर्ड्स को खाती है, मिल्कों को खाती है। सो कैट हमारी किस में आती है? दोनों में आती है, ओमनीवोरस होती है। अभी अलग अलग दे रखे हैं, रैट दे रखा है, लायन दे रखा है, टाइगर दे रखा है, स्पाइडर, हाउस लिजार्ड, काउ, ह्यूमन बींग्स, बटरफ्लाई, क्राउ, अदर्स। इन सब के बारे में अगर आपको किसी के भी बारे में पता है कि इनमें से कौन सा एनिमल क्या है, हर्बीवोरस है, कार्निवोरस है, ओमनीवोरस है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ये आपका होमवर्क है। ओके, अब इसमें क्या दे रखा है कि जो जो पहेली है वो क्या जानना चाहती है कि वेयर वुड यू प्लेस ह्यूमन बींग्स वाइल फिलिंग टेबल 1.6। अभी जो क्वेश्चन मैंने पूछा आपसे, ह्यूमन बींग्स को हम किस में रखेंगे टेबल 1.6 में? हर्बीवोरस में, कार्निवोरस में, ओमनीवोरस में? वो तो आप बताएंगे आंसर पहेली का। इसका आंसर वैसे मैं आपको कल के लेक्चर में बता दूंगी। वी नो दैट देर आर मैनी अमंग अस हु डू नॉट गेट सफिशियंट फूड। अब वैसे बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनको सफिशियंट फूड नहीं मिल पाता है। वे नीड टू फाइंड वेज बाय विच मोर फूड कैन बी ग्रोन इन द कंट्री। हमें और दूसरे तरीके अपनाने पड़ते हैं जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फूड को अवेलेबल करा सकें उन एनिमल्स के लिए। दैट विल बी नॉट एनफ, वी विल नीड टू फाइंड वेज टू इंश्योर दैट दिस फूड इज मेड इजिली अवेलेबल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। हमें इस चीज़ को कन्फर्म करना चाहिए कि हमारे इंडिया में और हमारे वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं उन सबको फूड अवेलेबल हो सके। इंसान को सेल्फिश नहीं बनना चाहिए, उन्हें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए कि किसी इंसान, अगर कोई इंसान भूखा है तो हम उसको खाना खिला सकते हैं, हम उसकी मदद कर सकते हैं एज अ ह्यूमन बींग। किसी कोई जानवर भूखा है तो हम उसे खाना खिला के हम उसकी हेल्प कर सकते हैं। तो हमें ये चीज़ सोचनी चाहिए कि फूड हर किसी को ईजिली अवेलेबल हो सके। सो नाउ दिस चैप्टर हैज़ बीन फिनिश्ड। सो दीज आर द कीवर्ड्स विच यू हैव टू लर्न। और अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ये आपकी समरी है जो आपको पढ़नी है, ये आपकी एक्सरसाइज है। ओके, वैसे तो मैं इसकी PDF, एक्सरसाइज के कीवर्ड्स की PDF और समरी की PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जिसके पास भी बुक अवेलेबल ना हो। अगर आपके पास ये बुक अवेलेबल है तो आप इसको कीजिए, और आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इस चैप्टर में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ओके, सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू ऑडियंस।